हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिल्ली के मशहूर और स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचे की रेसिपी। खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कप मटर लेंगे। तो मैं यहाँ पर व्हाइट वाले मटर ले रही हूँ और इन्हें हम भिगो कर 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट भिगो कर रख दीजिए। तो ये देखिए, ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इनको 1 से 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। इसके बाद अब हम इनको प्रेशर कुक करेंगे। तो इसके लिए मैंने सारे मटर प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं और अब हम पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो पानी है वो मटर से 1 इंच ऊपर तक रहे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसे 5 सीटी आने तक पका लेंगे और फिर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद अब हम छोले के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया। इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लगभग 50%। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक चुके हैं और इनमें से अच्छी स्मेल आने लग गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इन्हें ठंडा होने दूंगी। जब मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अब हम इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाला बनाकर हमने तैयार किया है, ये छोले के टेस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देगा, तो कोशिश करें कि इसे स्किप ना करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब इमली ले ली है। अब हम इसे गर्म पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसके बाद हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब हम कुलचों के लिए चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज को रफली काट कर ऐड कर दिया है, 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे और 2 छिली हुई लहसुन और 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर। इन सभी का हम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इस पेस्ट को पकाएंगे। इसके लिए हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, पिंच ऑफ रेड फूड कलर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ चुका है और जो चटनी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें बीट रूट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बनाएंगे छोले। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 इंच लंबाई में कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो मसाला हमने भून कर पीस कर तैयार किया था, उसे ऐड कर देंगे 2.5 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद ऐड करेंगे हमने जो मटर बॉईल करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मटर के छोले बनाए हैं। अगर आप चाहें तो सेम तरीके से चने के छोले भी बना सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम इसे बिना ढके 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून इमली का पानी, जिसे हमने इमली भिगोकर तैयार करके रखा था, 1/2 नींबू का रस और 2 टेबलस्पून हरी चटनी। तो फ्रेंड्स, हरी चटनी की जो रेसिपी है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप
हरी चटनी की रेसिपी को देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो मटर के छोले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अगर इससे पहले आपने इस तरीके से मटर के छोले बनाकर ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। और मैंने इनको बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे हम स्ट्रीट्स पे खाते हैं। अब हम कुलचे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे बटर से और इसके बाद हम कुलचे को सेकेंगे दोनों साइड से। बटर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हमने जो चटनी तैयार की थी उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, पलट देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और बटर का क्यूब ऐड करेंगे। पलट पलट के दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा कुलचा है वो सेक कर तैयार हो गया है। अब आप इस गरम गरम कुलचे को छोले के साथ इंजॉय कीजिए। अब सबसे लास्ट में हम छोले को गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरा धनिया और लंबाई में कटे हुए अदरक के लच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। इंग्रेडिएंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।